सीबीआई ने आज कोल ब्लॉक आवंटन में कथित तौर पर की गई अनियमितताओं को लेकर हो रही जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सीबीआई ने अदालत से दरखास्त की है कि वो किसी भी सरकारी विभाग से अपनी जांच रिपोर्ट साझा करने के निर्देश को संशोधित करे। एजेंसी ने जांच कर रही टीम में कोई बदलाव न करने के निर्देश को भी बदलने की गुहार लगाई है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में गवाही के लिए व्यक्तिगत पेशी से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अम्मल ने अपनी उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी व्यक्तिगत पेशी की छूट की अर्जी को 31 मई को खारिज कर दिया था। दिल्ली की एक अदालत ने अतिरिक्त 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है। इस मामले में भारतीय सेल्यूलर के मुख्य महाप्रबंधक सुनील मित्तल, एसआर ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया और अन्य आरोपियों को तलब किया गया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा अदालत को यह सूचित किए जाने पर कि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है कार्यवाही को आज टाल दिया। बिहार के बोधगया में हुए धमाकों के बाद ओडिशा सरकार ने पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ओडिशा पुलिस ने कहा है कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास के सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। बुधवार से रथ यात्रा शुरू होनी है। आषाढ़ी सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार समेत अनेक शहरों में हजारों की संख्या में लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया। आज के दिन किए गए दान, जप और शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। सप्ताह के शुरुआती कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 171 अंक गिरकर 19,325 और निफ्टी 56 अंक गिरकर 5,811 पर बंद हुए। हालांकि गिरावट भरे बाजार में दिग्गजों के मुकाबले छोटी और मझोले शेयरों पर कम मार पड़ी। सीएनएक्स मिडकैप और बीएसई स्मॉल कैप में 0.3% की कमजोरी आई। ऑयल एंड गैस, पीएसयू, रियल्टी, ऑटो, मेटल और बैंक शेयर 2-1% टूटे। पावर शेयरों में करीब 0.5% की गिरावट आई। हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों पर दबाव रहा।